एक दिन मैंने अपने दोस्त सौरभ तिवारी से पूछा कि सरकार जॉब को लेकर सबसे ज्यादा डिफेंसिव रहती है, तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। सौरभ ने कहा पार्ट टाइम रोजगार देना चाहिए। मैंने कहा समझाइए। सौरभ ने कहा जैसे गौर अच्छा दल में नौकरी दी जाती है, हिंदू सेना में नौकरी दी जाती है, इसका फायदा ये होता है कि वे खुद को सत्ता का प्रतिनिधि मानते हैं और कभी किसी नीति पर सवाल नहीं उठाते, ना पेंशन मांगते हैं, ना कोई सुविधा मांगते हैं, कभी बोले भी तो देशभक्ति का अफीम चटा के सुला दिया जाता है। सौरभ के साथ हुई ये बातचीत आज बनारस की एक घटना के सामने आने के बाद याद आ गया। मामला दरअसल ये है कि एक नेपाली युवक को विश्व हिंदू सेना ने पकड़कर उसका मुंडन कर दिया, सिर पर जय श्री राम लिख दिया। इसके बाद नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगवाए गए, भारत माता की जय कहलवाया गया। इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और बड़ी वीरता के साथ सोशल मीडिया पर डाल दिया। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री मान्य मौली प्रधानमंत्री जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नेपाली प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऐसा क्यों हुआ बहुत सारे लोग जानते हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि कुछ दिन पहले नेपाली पीएम ओली ने कहा हमें सांस्कृतिक रूप से दबाया गया है, तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। हम अब भी मानते हैं कि हमने भारतीय राजकुमार से सीता की शादी की, लेकिन हमने भारत के अयोध्या के राजकुमार को सीता नहीं दी थी। असली अयोध्या बीरगंज के पश्चिम में स्थित एक गांव में है, न कि वह जिसे भारत ने यूपी में बनाया है। राम नेपाली थे। ओली के इस बयान के बाद देश का कट्टर हिंदू अब जाग गया है, उसने नेपाल को सबक सिखाने के लिए प्लानिंग भी बना ली है। अब आते हैं फिर से बनारस वाले मुद्दे पर। हिंदू सेना के जंबाज कार्यकर्ताओं ने नेपाली युवक का सिर मोड़ दिया। उससे न सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए, बल्कि अपने संगठन हिंदू सेना जिंदाबाद का भी नारा लगवा रहे थे। ये मामला मीडिया में आ गया, इसलिए पुलिस हरकत में आई। मामले की गंभीरता को समझते हुए भेलूपुर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया। अब जानकारी जुटाकर गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। विश्व हिंदू सेना अभी दुनिया भर में भारत की छवि का ख्याल रखती है। भगवान राम के खिलाफ कहां कुछ बोला जा रहा है उससे बदला लेती है। इनका बदला लेने का पुराना ही माध्यम है। ये वहां के नागरिकों को मारते हैं, परेशान करते हैं, यही इनका बदला है। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं होता तो इनके द्वारा रिलीज किया गया पोस्टर ही देख लीजिए। एक किनारे संगठन के अध्यक्ष अरुण पाठक की फोटो लगी है, बगल में लिखा है नेपाली पीएम ओली प्रभु श्री राम के विरुद्ध दिए गए बयान को वापस लें, अन्यथा इसका परिणाम भारत में रहने वाले नेपालियों को भुगतना होगा। पिछले महीने हिंदू सेना ने एक पोस्टर बनारस में जगह जगह पर लगाए थे, उसमें लिखा था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश न करे कम्युनिस्ट। ये पोस्टर चीन से बदला लेने के एवज में था। अजब ये था कि इस पोस्टर में भगत सिंह, चंद्रशेखर व उनके साथियों की भी फोटो थी। लोग इन्हें कम्युनिस्ट मानते रहे, हालांकि इस पर बाद में बात करेंगे। इन हिंदू सेना वालों ने सोशल मीडिया को भी जमकर गंदा कर रखा है। वैचारिक विरोध की जगह नेताओं पर गंदे व्यक्तिगत कमेंट और इनकी अश्लील शब्दावली ने बेहूदगी की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। यही हाल कट्टर मुस्लिमों का भी है, ये हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। दोनों तरफ के मूर्खों की वजह से ही अभिव्यक्ति के बेहतरीन मंच फेसबुक पर लोगों को गुस्सा आने लगा है। आपसी भाईचारा, प्यार मोहब्बत, सांप्रदायिक सौहार्द, समाज कल्याण जैसे मुद्दे इनके विषय वस्तु में होते ही नहीं। समय रहते आप भी चेतिए, इनसे सावधान रहिए। ये धर्म के प्रचारक नहीं बल्कि धर्म की ऐसी तैसी करने पर तुले हैं। इनके लिए दुआ करिए कि ईश्वर या खुदा इन्हें तमीज व मनुष्य बनाने में का सलीका दे। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉल्टिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।